दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि योनो एसबीआई के ऐप्स के अंदर एक कमाल की फीचर दिया गया है। तो इस फीचर की मदद से आप सिर्फ घड़ी दिखा के बिजली बिल जमा कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल फीचर है। तो ये जो है इस महीने ही लॉन्च किया गया है एसबीआई ने। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, सिर्फ आप अपना वॉच दिखा के जो है पेमेंट कर सकते हैं बिजली बिल, चाहे आप शॉपिंग करते हैं वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2-2 हज़ार करके 5 बार आपको ट्रांजेक्शन करना है। एक दिन में आप 10 हज़ार का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको योनो एसबीआई ऐप्स ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, तो आप यहीं से लॉगिन कर सकते हैं। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो एमपिन से भी लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम एमपिन से लॉगिन यहां पे कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं हम अपने योनो एसबीआई के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो जैसे ही इस डैशबोर्ड को आप ऊपर करेंगे, तो ऊपर करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन मिलेगा बुक ट्रेन टिकट के जस्ट नीचे में योनो वेरिएबल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं एक वॉच है, तो यहां पे देखिए अबाउट माय वायरवेबल, तो यहां पे लिंक योर वायरवेबल आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको वॉच को लिंक करना पड़ेगा। तो इसमें एक ज़रूरी बात होती है, क्या हमको इसमें एम पिन भी बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको इसमें कोई भी एम पिन नहीं बनाना पड़ेगा, बशर्ते आपको जो भी घड़ी आप ले रहे हैं उस घड़ी में एन एफ सी सिस्टम होना चाहिए, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो आप यहां पे 2-2 हज़ार करके 5 बार इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको यहां पे बताते हैं कि लिंक जो है वॉच को कैसे करते हैं। तो यहां पे देखिए लिंक न्यू वेरिएबल है, तो यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर है, रेफरेंस नंबर है, तो यहाँ पे आपको जो भी घड़ी ले रहे हैं उसका आपको रेफरेंस नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपको घड़ी के साथ ही मिल जाएगा, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से घड़ी में आपको रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं और उनमें से एन एफ सी सिस्टम होते हैं, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, एक रेफरेंस नंबर जो वॉच का आएगा, जो घड़ी का आएगा, तो यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको रेफरेंस नंबर देना है ताकि कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए निक नेम योर वेरिएबल, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास अगर एक अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, तो एक अकाउंट, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट होगा तो यहाँ पर आप जिस भी अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं उसी अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास एक ही अकाउंट है, तो मैं इसी अकाउंट से लिंक करेंगे और तो इस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिंक न्यू वेरिएबल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप यहां पे इंटर करेंगे तो आपको सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस वॉच में जो है एन एफ सी सिस्टम होते हैं और रेफरेंस नंबर होते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे बैक आएंगे, तो जैसे कि आपका जिस भी अकाउंट से आपने लिंक किया है वॉच के साथ, तो आपका जो है पासबुक उसका कहां पे दिखेगा, यानी कि तो आप कैसे देख सकेंगे कि आपका इतना रुपया कटा है। तो यहां पे व्यू ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखा दिया जाएगा आपका इतना इतना रुपया कटा है इस वॉच के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से पासबुक भी निकाल सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से घड़ी में एन एफ सी सिस्टम होते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन ये कैसे काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका भी नॉलेज दे देता हूं। जैसे कि आपको किसी भी डाटा को अगर ट्रांसफर करना है, या आपको डाटा को अपने मोबाइल में लेना है या ट्रांसफर करना है, तो आपको एनएफसी अगर वायरलेस सिस्टम आपके मोबाइल में है यानी कि फीचर है, तो उस मोबाइल को आपको जो है 1 से 2 सेंटीमीटर के बगल में आपको रखना है, तभी एनएफसी सिस्टम काम करेगा। अगर आप 5 से 10 सेंटीमीटर के दूर में रखेंगे तो आपको काम नहीं करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे ही आप सटाएंगे तो 1 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपका एनएफसी सिस्टम काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे अप्लाई फॉर न्यू वेरिएबल, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए
कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी 2000 का पर डे आप कर सकते हैं, यानी कि टोटल आप 10000 इस वॉच से आप अपना पेमेंट कटा सकते हैं, बिजली बिल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ अगर आप दुकान में सामान लेते हैं वहाँ से भी आप कटा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कौन सा वॉच ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसे आप पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कौन से ब्रांड में ये फैसिलिटी दिया गया है, तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखिए, कोई भी ब्रांड हो, चाहे आप टाइटन का हो चाहे आप सोनाटा का हो, सिर्फ उसमें NFC सिस्टम होना चाहिए, तभी इस सुविधा का आप योनो SBI से लाभ ले सकते हैं। चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना हो, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक टाइटन का घड़ी यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट है, तो इनमें आपको जो है NFC सिस्टम मिलेंगे और रेफरेंस नंबर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे घड़ी का आप दाम दे सकते हैं 2995 रुपये है, 5995 रुपये है, ये सब घड़ी है जिनमें कि इस सुविधा का लाभ आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है इस टाइटन ही में फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है NFC का सपोर्ट है, इसीलिए इस टाइटन में भी दिया गया है। अगर यहाँ पे और भी घड़ी में अगर आपको NFC सिस्टम मिलते हैं तो उस घड़ी को आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक करके आप इसे इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द अगर आप यहाँ से यही घड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये घड़ी मिल जाएगा। तो जैसे कि हमको ये घड़ी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये रिटर्न घड़ी नहीं है, जो एक बार आप मंगा लेंगे तो दोबारा ये वापस नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ सामान खरीदें ध्यान दे के खरीदें। तो जैसे कि हमको ये घड़ी चाहिए तो 2995 रुपये का, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा अमेजोन पे चला जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अकाउंट बना के आप जो है बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो घड़ी है हमको अभी नहीं चाहिए, अगर मार्केट में इसे कम सस्ता मिलेगा तो वहाँ से भी हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आप वॉच ले रहे हैं, चाहे स्मार्ट वॉच ले रहे हैं, उसमें NFC का सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उसमें ऑप्शन रहना चाहिए, तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जिस भी आप दुकानदार से ख़रीद रहे हैं उसको ज़रूर एक बार पूछ लीजिए क्या इसमें NFC का सपोर्ट है या ऑप्शन दिया गया है, तो वो आपको ज़रूर बता देंगे, नहीं तो आप यहीं से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर हमको लगा योनो SBI की तरफ से, और आपको ये कितना अच्छा फीचर लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो बहुत सारे फीचर लेके आते रहते हैं और इसी तरीके से हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे एक पहला बैंक है जो कि ये फीचर लेके आया है, हालांकि ये विदेश में पहले से चल रहा था लेकिन इंडिया में अभी ये फर्स्ट बैंक ही है जो ऐसा फीचर लेके आया है। तो आपको कैसा लगा ये फीचर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हम इन फ्यूचर अगर इस वॉच को लेते हैं तो हम आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाएंगे कि ऐसे तरीके से आप यहां पे घड़ी सटा के आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको लिंक करने के लिए बता दें, आपके पास रेफरेंस नंबर होना चाहिए तो आपका लिंक हो जाएगा। तो आप सिंपली सी जिस भी आपको पेमेंट कटाना है तो सिर्फ आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हो उस तरीके से 102 सेंटीमीटर के बीच में आपको घड़ी रखना पड़ेगा तो वो आपका पेमेंट कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।